जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने आई हूँ संक्रांति के कुछ उपाय लेकर। और संक्रांति के दिन हमको सूर्य भगवान की पूजा कैसे करनी है और अपने शनि से संबंधित दोषों का निवारण और सूर्य से संबंधित दोषों का निवारण संक्रांति के दिन कैसे होगा, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि संक्रांति आ रही है शनिवार को, और 2023 में जो ये संक्रांति आएगी इस पे एक विशेष फल आपको ये मिलने वाला है कि शनिवार के दिन आने वाली संक्रांति, शनि से रिलेटेड किसी को समस्या है जीवन में, पत्रिकाओं में बहुत, पत्रिका में आपके शनि से संबंधित कोई दोष है, तो उसका निवारण करने के लिए बहुत अच्छा शुभ दिन रहेगा। अब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, और चूंकि मकर राशि जो है वो शनि की राशि है, इसलिए सूर्य से, और ऐसा बोलते हैं कि शनि जो है पूरे एक साल में सूर्य से समय अपने पुत्र से मिलने के लिए आते हैं, तो ये बहुत विशेष संयोग होता है। और सूर्य उत्तरायण होते हैं, तो इस वर्ष आपको क्या करना है कि जब आप सूर्य भगवान की आराधना करोगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। सबके लिए आसान नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन संक्रांति के दिन आप कोशिश करें कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सूर्य देव को सुबह उठकर जल चढ़ाएं। तो जल चढ़ाने में आप तिल का और गुड़ का प्रयोग करें। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे तो आपको उसमें तिल और गुड़ मिला के जल चढ़ाना है। और एक चीज और है कि जब आप मंत्र बोलेंगे, वैसे हम, मैं सबको बताती हूँ नॉर्मली कि आप गायत्री मंत्र बोल के और सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है, लेकिन उस दिन आप क्या करें कि आप सूर्य गायत्री बोलें। सूर्य गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिए, सूर्य गायत्री मंत्र बोल के आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, उनसे आरोग्य की प्रार्थना करनी है। उसके बाद में अगर कोई ऐसे किस्मत वाले लोग हैं जो गंगा जी के किनारे हैं या नर्मदा जी के किनारे जो बसे हुए हैं, जिनके लिए आसान है नर्मदा जी के पास जाना, गंगा जी के पास जाना, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, वो घर अपने मन में ही जब स्नान करे तब गंगा मैया का जो पवित्र नदियों का ध्यान करे। लेकिन अगर आप कहीं पे रहते हैं तो कोशिश करें कि गंगा जी में या फिर नर्मदा जी में या जो भी पवित्र नदियां हैं उसमें कमर तक के हिस्से तक डूब के, मतलब आप खड़े रह के, और फिर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसका बड़ा असीम आनंद भी मिलने वाला है और बहुत अच्छे फल भी मिलने वाले हैं उसके। उसके बाद में आप जब सुबह खिचड़ी का दान करते हैं तो कोशिश करें कि खिचड़ी का दान कर किसी ऐसे, मतलब शनिवार का दिन है तो बहुत ज्यादा गरीब लोग हों, वैसे हम किसी को भी, सब सबका अपनी अपनी परंपरा रहती है कि परंपरागत सुहागन को जो भी हम देते हैं तिलक लगा के, लड्डू, ये खिचड़ी कुछ, लेकिन उस दिन कोशिश करें कि सबसे पहले आप किसी गरीब महिला को, कोई बहुत परेशान लोग हैं, गरीबों को उस चीज का दान करना है। उस दिन आपको कंबल दान करना है, आप जितने भी कंबल उस दिन दान कर सकते हो वो उसके लिए, उसका आपको बहुत ज्यादा फल मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया कि आपकी पत्रिका में अगर शनि से संबंधित कोई दोष है तो उसके लिए आपको शनि भगवान की आराधना उस दिन करना बहुत शुभ है, और शनि के दान करना भी बहुत शुभ है। तो आप क्या करें उस दिन कि आप शनि के मंत्र का जप, है ना, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये शनि देव का मंत्र, उस दिन इस मंत्र की जितनी माला आप कर सके ये करना है आपको शाम को। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपका सूर्य खराब है तो आपको सूर्य की मंत्रों की जाप करना है, और अगर आपका शनि खराब है तो आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है, और अगर आपको सूर्य का जाप करना है तो सुबह करना है, शनि के मंत्रों का जाप करना है तो शाम को करना है। उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो अगर आपका सूर्य खराब है तो आप भोजन दिन में करें, शाम को ना करें, और अगर आपका शनि खराब है तो आपको भोजन शाम को करना है, आपको दिन में नहीं करना है, अगर आप व्रत रखते हैं तो, जरूरी नहीं है ऐसा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि शनि के लिए हमको क्या दान करना है। तो शनि के लिए वैसे हम सब जानते ही हैं कि आपने काले उड़द है, काला कपड़ा है, सिगड़ी है, कुछ चिमटा है, ये सब चीजें इस तरह की दान करना है। लेकिन उस दिन स्पेशल नीलम जो रत्न रहता है उसका उपरत्न रहता है नीली, वो नीली आप जो है वो दान करो। और सूर्य के लिए भी अगर माणिक के दान करने में सक्षम हो तो ठीक है, और माणिक के दान नहीं कर सकते तो उसका उपरत्न आप दान करो, उसका भी आपको बहुत फल मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि संक्रांति के दिन जब हम सुबह अपनी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो उस दिन कोशिश करें कि किस दिन आप किसी भी तरह का घर में क्लेश न करें। आपके घर में अगर कोई क्लेश करने वाला हो तो उसको भी रोकें। कुछ चीजें अगर ऐसी होती है कि आपके पास अनचाही होती है तो उनको इग्नोर करें, लेकिन वो आपका साधना का दिन है, ये समझ लीजिए कि उस दिन आपको सूर्य को साधना है। और अगर संक्रांति के दिन
आपने सूर्य को साधा, सूर्य के लिए अपना सम्मान अपने मंत्रों से, अपने दान से, किसी भी तरह से बताया, तो सूर्य आपकी बहुत मदद करेंगे। आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होने वाला है। आपका पूरा साल संक्रांति के लिए, इस संक्रांति से पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो अब उस दिन आपको क्या करना है कि जब आप सूर्य को जल चढ़ाने जाओगे तो आपको एक तो सूर्य गायत्री मंत्र बोलना है, पहली बात। दूसरी बात, आप गुड़ और कंकु तो मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि आपको गुड़ और कुमकुम डाल के सूर्य को जल चढ़ाना है, लेकिन उस दिन आपको जल के अंदर में काले तिल और गुड़ और कुमकुम तीनों मिला के जल चढ़ाना है। जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओगे तो मैंने आपको बता के ही रखा है तरीका कि आप इस तरह से कलश को ऐसे रख के आपको जल चढ़ाना है। लेकिन एक चीज आपको करनी है उस दिन की, जब हम यूं गायत्री मंत्र बोलते हैं, वैसे नॉर्मली जब बोलते हैं तो गायत्री मंत्र बोल के जल चढ़ाते, गायत्री मंत्र बोल के भी आप जल चढ़ाओ, कोई इशू नहीं है उसका, लेकिन उस दिन सूर्य गायत्री मंत्र अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। और जितना भी सूर्य गायत्री उस दिन आप जप सकते हो उस दिन आप जपो। उसके बाद में एक छोटा सा उपाय और है कि उस दिन आप अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर करने वाले हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है उसका भी। सबके मन में एक चीज आती है कि हम क्यों, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा, है ना, हम खाली जल चढ़ा देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ऐसा नहीं है। देखो, कभी कभी आप एक चीज सोचो कि आप अपने पिता के लिए कोई गिफ्ट लेके आते हो, आपने कोई जाके एकदम से अपने पापा को घर ले जाके कोई गिफ्ट दे दिया, एकदम खुश हो गए, तो क्या ऐसा था, आपने मान लो एक वॉच दे दी उनको, तो क्या ऐसा था कि उनके पास वॉच नहीं थी, क्या उनको नीड थी उसकी? लेकिन वो आपका रेस्पेक्ट है, वो आपका सम्मान है और वो आपका प्यार है, तो वो जो फिर आशीर्वाद उनके आपको मिलते हैं वो आपको मालूम है ना कैसे। तो इसीलिए सूर्य भगवान को भी आप जितना उनके लिए करोगे वो उनको श्रद्धा से दो, उनको मन से दो, आत्मा से दो, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो सारी जरूरत हमको है जो उनसे हमको लेना है, उनसे हमको ग्रहण करना है। तो आप उस तरह से उनको जल चढ़ाओ, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करो, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर आपकी पत्रिका में सूर्य से संबंधित कोई दोष है, आप अपनी पत्रिका दिखाएं किसी को, या जो आपको लगता है कि उसके अंदर आपको पता नहीं है तो आप किसी से पूछे कि मेरी पत्रिका में किस तरह का दोष है। तो अगर सूर्य से जनित कोई दोष आपको है तो आपको स्पेशली सूर्य से रिलेटेड प्रयोग उस दिन करना है, और अगर आपको शनि से संबंधित कोई दोष है आपकी पत्रिका में तो आपको शनि से रिलेटेड दोष का निवारण करना चाहिए। अब आप शनि से संबंधित रोगों का निवारण कैसे करेंगे, तो उस दिन अगर आपको शनि की समस्या या शनि की कोई पीड़ा है तो उसका भी निवारण आपका उस दिन बहुत अच्छा होगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर सूर्य से संबंधित कोई पीड़ा है तो आपको उसका निवारण ऐसे करना है कि आपको मंत्र और आपको आदित्य हृदय स्त्रोत का तो मैंने बता दिया, लेकिन उस दिन आप जैसे एक माणिक किसी को दान करो, आप लाल वस्त्र किसी को दान करो, आप गेहूं किसी को दान करो, आप गुड़ किसी को दान करो, है ना, ये उस दिन आपको सूर्य भगवान के लिए, सूर्य खराब होने की दशा में, है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप व्रत रखते हैं जैसे, तो हमने जब व्रत रखा तो अगर कोई रखता है तो जरूरी नहीं है कि संक्रांति का आपको व्रत रखना है, लेकिन अगर आप रखते हैं तो जो भी आपका दान पुण्य आपको सब करना है, उसके बाद आप दिन में भोजन अपना कर लीजिए। कोशिश करें कि उस दिन दूसरा भोजन न करते हुए सिर्फ खिचड़ी हम खाएं, खिचड़ी का बड़ा महत्व है, तो आप खिचड़ी, और कोशिश करें जैसे हम उड़द की दाल हर कोई खाता नहीं है, खिचड़ी खाएंगे तो चावल और मूंग की दाल की अक्सर लोग बनाते, लेकिन आप उस दिन कोशिश करें कि उसमें थोड़ी सी उड़द की दाल डालें, वो खिचड़ी आप दिन में खाएं, दिन में ही सारे प्रयोग करें और संक्रांति का आनंद लें। उसके बाद में अगर किसी की पत्रिका में ऐसा है कि शनि का प्रभाव है, और शनि का प्रभाव है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको व्रत रखना है अगर, तो आप व्रत को शाम को ही खोलना है आपको, आप दिन में भोजन न करें, आप भोजन करें शाम को, लेकिन कब, जब शाम को आप अपना जो भी दान करना है, जैसे शनि के लिए दान है आपको काले काला कंबल दान कर सकते हो, आप काले तिल दान कर सकते हो, आप तेल का दान कर सकते हो, जो भी आपको लगे शनि से संबंधित जो भी चीजें आपको लगे वो आप दान करो, लेकिन शनि का रत्न जो नीलम है वो भी अगर उस दिन किसी को आप दान करते हो तो आपकी पीड़ा में आपको बहुत ज्यादा सहयोग देंगे शनि खत्म करने के लिए। शनि वैसे देखो किसी को पीड़ा देते नहीं है, हम सारी पीड़ाएं हमने ही अपने लिए इकट्ठा करके रखी हुई है, क्योंकि हमारे कर्मों से हमने अपना भाग्य बना के रखा हुआ है, तो इसमें हम शनि को दोष नहीं देंगे, लेकिन शनि इतने फिर भी दयालु हैं कि अगर हमने अपने कर्मों से कोई अव्यवस्था हमारे लिए इतनी कर रखी है खराब कि हमारे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही है जो भी है, तो उसमें फिर हम शनिदेव से आशीर्वाद मांगेंगे तो वो आपको देने वाले हैं। उसके बाद में उस दिन स्नान करने का, घर में तो हम सब स्नान करने वाले हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई पवित्र नदियों के किनारे किसी का वास हो, कोई रहता हो गंगा जी के किनारे, हरिद्वार में कोई रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है नर्मदा जी के पास, तो
आप कोशिश करें कि आप सुबह, ठंडा मौसम है सब है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि अगर आप वहां पे कमर तक के हिस्से में डूब के नदी के अंदर, और फिर अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो फिर तो उसका कहना ही क्या, वो तो मतलब आपको इतना अच्छा उसके अनुभव होने वाले हैं फिर, कि वो खुद आप ही बताएं बताएंगे किसी दिन कि कैसा होने वाला है आपके साथ। उसके बाद में एक चीज और, आप जब सूर्य गायत्री पढ़ेंगे, जब आदित्य स्त्रोत पढ़ेंगे, तो आपके पैरों के नीचे एक आसन होना चाहिए, और आप जो सूर्य को जल चढ़ाते हो, तो उस सूर्य के जल के जो छींटे हैं वो आपके पैरों पे ना पड़े, किसी गमले में, किसी मिट्टी में, किसी जगह पे, ऐसे करके सम्मान से कि वो जल हमने उनको चढ़ाया है तो हमारे पैरों में ना आए, ये आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करना है कि इस संक्रांति से लेके हम अपने परिवार के जितने भी हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं, बच्चे हैं, सब सदस्यों के लिए हम एक नियम बना दे कि कोशिश करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:30-6 बजे न उठ पाए, तो भी हम 8 बजे के पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके आशीर्वाद लें, और शनि भगवान से तो आपको लेना ही है आशीर्वाद। तो ये संक्रांति आप सबके लिए बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्ण।